अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अलामा इकबाल की हयात का एक दूसरा पहलू भी मुलाहजा कीजिए। लॉर्ड वेलिंगटन मुत्तहिदा हिंदुस्तान का 70वां वायसराय था। इसके दौर में लंदन में दूसरी और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। तीसरी कॉन्फ्रेंस में अलामा इकबाल भी शरीक हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेलिंगटन की अलामा साहब से पहली मुलाकात हुई। वायसराय अलामा साहब की शख्सियत से बेइंतहा मुतासर हुआ। हिंदुस्तान पहुंचकर इसने अलामा साहब को जनूबी अफ्रीका में सफारत की पेशकश कर दी। ये इस दौर का बहुत बड़ा ओहदा था। अलामा साहब ने पेशकश सुनकर पूछा, इस ओहदे की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? अलामा साहब को बताया गया कुछ नहीं, बस आप अपनी अहलिया को सरकारी तकरीबात में लेकर जाएंगे। अलामा साहब ने वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को पैगाम भिजवाया, हिज एक्सीलेंसी, बेशक मैं एक गुनहगार मुसलमान, मुझसे शरीयत की पाबंदी में कुताही हो जाती है, लेकिन मैं इसके बावजूद सिर्फ मामूली से सरकारी ओहदे के लिए यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सफारत के लिए शरीयत का हुक्म नहीं तोड़ सकता।